मैं हूं सफदर हुसैन। आज हम उन लोगों के लिए एक टॉपिक लाए हैं, वो हैं प्राइवेट मुलाजमीन। सरकारी मुलाजमीन के बारे में तो हमने बहुत से वीडियोस अपलोड की हैं, वो हमारी प्लेलिस्ट में देखी भी जा सकती हैं। आज हम उन लोगों के डिस्कस करने कर जा रहे हैं जो मुलाजम प्राइवेट या किसी फर्म में या किसी कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए बोनस का क्या कानून है। एनुअल बोनस हर मुलाजिम का हक है, वो हर गवर्नमेंट इदारा भी देता है, कंपनियां भी देती हैं। जो कंपनियां कमा रही हैं यानी किसी और जगह से वो इन्वेस्ट करती हैं, उससे जो उनको पैसा मिलता है वो अपने मुलाजमीन में तकसीम करती हैं। जिस तरह OGDCL है, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या कोई और भी कंपनी, इसी तरह ये सारी की सारी अपने मुलाजमीन को बोनस देती हैं। लेकिन अक्सर मुलाजमीन जो प्राइवेट काम करते हैं किसी फर्म में किसी कंपनी में, उनको बोनस नहीं मिलता, लेकिन कानून में ये शिक मौजूद है। आज हम इसको बारी बारी डिस्कस करेंगे कि कौन क्या बोनस का क्या तरीकाकार है और कैसे मिलता है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया। ये जो बोनस का कानून है, या कोई भी प्राइवेट मुलाजमीन को जिससे गवर्न होते हैं, जिससे उनको राइट्स मिलते हैं, जिससे राइट एक्रूड होते हैं, वो है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑर्डिनेंस 1968। ये एक ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस एक इशू हुआ था जिसको बाद में जो पार्लियामेंट थी उसने भी वेट किया। ये था 1968 में। ये वो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट होती है या कमर्शियली कोई भी डिपार्टमेंट है वो करते हैं, उनके स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो ये सारा का सारा राइट्स और ड्यूटीज़ को डिफाइन करता है। इसकी शिक नंबर 10 है जो बोनस के कानून को डिस्कस करती है। अब हम चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। प्राइवेट मुलाजमीन जो भी होंगे, यानी हर वो इदारा जिसके पास 20 से ज़ायद मुलाजमीन काम करते हों, इसके तमाम मुलाजमीन जिनको कम अज़ कम 3 माह काम करते हो गए हों, वो अमूमन हर साल 1 माह की तनख्वाह के बराबर इजाफी बोनस के हकदार हैं। ये कानून, ये आर्डिनेंस ये कहता है कि जिस इदारे के पास भी 20 से ज़्यादा मुलाजमीन है, 20 से कम मुलाजमीन, उसके ऊपर ये लागू नहीं होता। और हर वो मुलाजम जो 3 महीने कंटिन्यूसली विद ब्रेक काम कर रहा है, तो उनको हर साल जो एनुअल होगा इनके, उसके साथ जो एनुअली जो होगा, वो 1 माह यानी 1 बेसिक पे उसको इजाफी तनख्वाह दी जाएगी। हाँ, अगर कोई सालाना मुनाफा की रकम काम करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाह से ज़्यादा हो तो बोनस की रकम 30% होगी। जितना कंपनी वो कमा रही है उसका सालाना जो मुनाफा है वो कैलकुलेट किया जाएगा, और मुलाजमीन की जो तमाम मुलाजमीन हैं 20 जो से ऊपर, उनकी तनख्वाह को भी कैलकुलेट किया जाएगा। अगर वो मुनाफा जो कंपनी ने कमाया वो ज़्यादा है और मुलाजमीन की तनख्वाह कम है, तो उसका जो बोनस बनेगा वो 30% होगा, यानी उसके टोटल जो उसने कमाई की उसका 30% बोनस में दिया जाएगा मुलाजमीन को। अगर सालाना मुनाफा तमाम मुलाजमीन की 1 माह की मुकम्मल तनख्वाह से कम हो तो बोनस की रकम 15% होगी। अगर इसी तरह ज्यादा है तो इसको 15% जो उसको बोनस दिया जाएगा। हर वो इदारा जिसके मुलाजमीन की तादाद 50 या इससे ज़ायद हो, वो मुलाजमीन के लिए ग्रुप इनिशिएटिव स्कीम मुतारफ़ कराने के पाबंद है। ग्रुप इंश्योरेंस तरह का इस तरह के कोई इनिशिएटिव जो होंगे, जितने भी काम करने वाले जिसकी 50 से ज़्यादा मुलाजमीन की तादाद होगी, वो ग्रुप इंश्योरेंस शुरू कराए या कोई इंश्योरेंस का कोई प्रोग्राम करे, जो भी हो मुलाजमीन की फलाह बहबूद करने के लिए, वो हर इस तरह का प्रोग्राम बनाएगा। ज़रूरी है उसके ऊपर, हर इदारे के ऊपर जिसकी 50 से ज़्यादा तादाद है मुलाजमीन की। हाँ, अगर कोई मुलाजम फौत हो जाता है तो उनके जो उससे ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह जो शुरू की गई थी, उनके वरसा को अदा की जाए, जो उसके लवाहिकीन होंगे, जो उसके डिपेंडेंट होंगे, जिसको वो नामिनेट कर गया होगा, उसको वो रकम दी जाएगी। अदायगी की कानून मुआवजा जात 1923 के तहत होगी। ये एक 1923 का अदायगी मुआवजा जात का एक कानून है, इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर जो भी है वो उसके तहत दी जाएगी। जितनी भी उसकी जो सम बनेगा यानी उसकी रकम बनेगी, वो उसको लवाहिकीन को दी जाएगी। ये कंपनी पाबंद है, हर कंपनी इन तमाम
तमाम कानून को फॉलो करने की पाबंद है। इन्होंने रिटन तौर पर दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि हम इन रूल्स को हम फॉलो करेंगे। अक्सर हमने देखा है कि ये बिल्कुल किताबों तक मौजूद हैं या अपने उस रूल तक मौजूद हैं, किसी के साथ उसकी वेलफेयर पे कोई काम नहीं कर। लिहाजा मुलाजमीन को अपने राइट समझने के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने राइट को समझें और जाके बात करें। अगर मुतलका इदारे हैं इसके लिए, जिस तरह वफाकी मुहतसिब है, बग़ैर किसी किस्म की बग़ैर किसी पैसों के वो रिप्रेजेंटेशन आपकी कबूल करता है, उसके ऊपर फैसला 60 डेज़ के अंदर फैसला करता है। लिहाजा मुलाजमीन को चाहिए कि अपने हकूक के बारे में वो बात करें, अपने हकूक को पहचानें। शुक्रिया, उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी और तमाम दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलिएगा। शुक्रिया।